सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप IPL के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में मंगलवार को 23वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मुंबई को 31 रनों से हरा दिया। मुंबई की 31 रनों से शर्मनाक हार मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर आज पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन सनराइजर्स की खराब शुरुआत रही। इस बीच सनराइजर्स की पूरी टीम महज 118 रनों पर ही ढेर हो गई। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम महज 87 रनों पर ही पेवेलियन लौट गए और मैच को गंवा बैठे। मैच के वो 5 टर्निंग पॉइंट जिससे बदला मैच का परिणाम, टॉस फैक्टर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मैच की गलती से सबक लेते हुए इस मैच में टॉस अपने पाले गिरने के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने तो कप्तान के फैसले को सही साबित किया और 118 रनों पर रोक लिया, लेकिन बल्लेबाजों ने टॉस जीतने पर पानी फेर दिया और 87 रनों पर ही ढेर हो गई। लड़खड़ाई सनराइजर्स हैदराबाद की पारी। सनराइजर्स हैदराबाद लगातार दो हार के बाद एक बार फिर से जीत के ट्रैक पर लौटना चाहती थी। ऐसे में इस मैच में एक बड़ी उम्मीदों के साथ ही इस मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी ने तो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने जैसे सरेंडर ही कर डाला। सनराइजर्स के बल्लेबाज तुक चल में आया की तर्ज पर खेलते रहे और महज 118 रनों के स्कोर पर ढेर हो गए। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का कमाल। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस को अपने नाम कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सनराइजर्स की पारी को मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबोड़ लिया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए सनराइजर्स की पारी को उदय होने से पहले ही अस्त कर दिया और सस्ते स्कोर पर निपटा लिया। मुंबई इंडियंस भी चली सनराइजर्स की राह। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी वानखेड़े की पारी पर बुरी तरह से लड़खड़ा गए। कुछ उसी तरह से एक आसान सा लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस का भी हार रहा। मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इस खराब शुरुआत का असर ऐसा पड़ा कि मुंबई इंडियंस की टीम महज 87 रनों के स्कोर पर ही पेवेलियन लौट गई। सिद्धार्थ कौल की कातिलाना बॉलिंग, सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बहुत ही छोटा था। ऐसे में यहां पर गेंदबाजों को मैच में कुछ कमाल करने की जरूरत थी। सनराइजर्स के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मुंबई की पारी को झकझोर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए अपने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप निगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।